और चलिए रुक कर रहे हैं कुछ और खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल यानी बुधवार को बुरहानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम शिवराज बुरहानपुर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम प्रदेश की लाडली बहनों को बड़ी सौगात देंगे। सीएम इस बार 10 अक्टूबर की बजाय 4 अक्टूबर को ही लाडली बहना योजना की राशि जारी कर देंगे। जिला प्रशासन से सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों पर जोर शोर से जिला प्रशासन भी जुटा हुआ है। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था करने में लगा हुआ है। लाडली बहना सम्मेलन में करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। लोगों के बैठने की व्यवस्था पंडाल में की जा रही है। इंदौर संभाग आयुक्त माल सिंह ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। डोम लग रहा है और लगभग 1 लाख लोगों की बैठक व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। तो लाडली बहना को आज ये खबर कि 4 तारीख यानी इस बार की जो लाडली बहना योजना की राशि है बहनों के खाते में 4 तारीख को पहुंच जाएगी। और इसको लेकर बुरहानपुर में बड़ा कार्यक्रम किया गया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं में जुट गया है। तो आपको बता दें आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई कार्यक्रमों में थे और कल भी उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं जिनमें वो शामिल होने वाले हैं। लाडली बहना योजना की राशि इस महीने 4 तारीख को ही बहनों के खाते में पहुंचा दी जाएगी और एक दिवसीय ये कार्यक्रम होगा। बुरहानपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। लाडली बहना योजना की राशि कल यानी 4 तारीख को ट्रांसफर होगी बहनों के खाते में। बड़ा कार्यक्रम बुरहानपुर में होने जा रहा है। खेमराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुरहानपुर से। खेमराज, किस तरह की तैयारियां कल के कार्यक्रम को लेकर? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां कार्यक्रम करने वाले हैं, 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम को लेकर? जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ जी, उस स्पॉट पे यहाँ कार्यक्रम रेणुका मंडी स्थित बुरहानपुर में होना है, जहाँ सीएम शिवराज सिंह यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लाडली बहना योजना के वन क्लिक के माध्यम के द्वारा उनको उनके खाते में पैसा पहुंचाया जाएगा। और चुनावी माहौल को देखते हुए, एकदम चुनाव करीब है, आचार संहिता के लगभग होने के कारण ये दौरा बहुत विशेष माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेपा नगर विधानसभा और बुरहानपुर विधानसभा के दोनों उम्मीदवारों के नाम यहाँ तय नहीं किए गए हैं। काफी असमंजस है, दावेदारों की संख्या ज्यादा होने के कारण अभी तक नेपाल नगर विधानसभा और बुरहानपुर विधानसभा के यहाँ पर सूची तय नहीं हो पाई है उम्मीदवार कौन होगा। अभी पार्टी ने सस्पेंस बना के रखा हुआ है। बिल्कुल, अभी प्रशासनिक अधिकारियों में से कौन वहां पहुंचा निरीक्षण करने के लिए? किस तरह की व्यवस्थाएं अब तक हो चुकी हैं? यानी पंडाल बन चुका है, डोम बनाया गया होगा, लोगों के बैठने की व्यवस्थाओं के बारे में आप जानकारी दे पाएं? जी, यहां पर जो तैयारी बड़े जोरों पे चल रही है प्रशासनिक अधिकारी तौर पर हम माने तो यहाँ पर दोपहर में SDM बुरहानपुर पौराणिक मैडम यहाँ पहुंची थी और उसके बाद में काफी आला अधिकारी प्रशासन के स्तर पे यहाँ पर पधार चुके हैं और समय समय पे ये जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ व्यवस्था हो पाएगी और व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, इसको देखते हुए यहाँ बड़े मुस्तैदी से जिला प्रशासन व्यवस्था में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जिला प्रशासन व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। बड़ा कार्यक्रम कल बुरहानपुर में होने जा रहा है 4 तारीख को। लाडली बहनों को उनके खाते में इस बार जल्दी राशि मिलेगी, यानी 4 तारीख को उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी।